वेलकम एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं इस वक्त ऑन द वे और हम लोग जिम जा रहे थे, तो जिम जाते जाते मुझे एकदम से याद आया कि मैं कल एक केस हुआ है, आई थिंक कल या परसों रात को एक केस हुआ है कि एक शख्स जो था जिसने गैर हरकत की थी, गैर इखलाकी हरकत की थी, आप लोगों ने सबने देखा होगा, और गुलिस्तान जौहर का ये वाकया है और बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद की, उसकी वीडियो भी वायरल हुई है और वीडियो में वो बंदा आपको कहीं से एजेड नहीं लग रहा, जवान लड़का है। और मैं हैरान हूँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे अब इतनी ज़्यादा ये चीज़ें हो गई हैं कि पहले हम देखते थे कि जी क्राइम किसी और हवाले से बढ़ रहा था, फिर हमने रेप के केसेस बहुत सारे देखे पंजाब में और कराची में, लेकिन अब स्पेशली जो ये केस अभी नया आया है, वो एक लड़की जो बुरखा पहन के जा रही थी और उसको हरासा करने की जिस कोशिश की गई, तो इस पर बड़े अच्छे लोगों ने कमेंट्स भी दिए और बोला भी कि जी पहले कहते थे जी आपका ड्रेस अच्छा नहीं होता, इसी वजह से आपके साथ हरकतें होती हैं, आपके कपड़े देख कर लोगों के कमेंट्स चेंज हो जाते हैं। तो वो बेचारी लड़की तो भी बुरखे में जा रही थी, निकाब किया हुआ था, सब कुछ था, लेकिन उस शख्स ने उसके साथ जो गैर अखलाकी हरकत की है उस बारे में सब ने बोला है, उसकी वीडियो जो वायरल हुई है मैं भी साथ लगाऊंगी इसमें उसकी शॉर्ट, तो सब ने कहा है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दें ताकि वो हराम ज़्यादा पकड़ा जाए। और एक शख्स ने तो कहा कि जी ऐसे को तो बर्फ़ की सील में लिटा के उसको सजा देनी चाहिए, उसकी छितर लगाने चाहिए, तो छोटी सजा है बर्फ़ की सील में लिटा कर। मैं तो कहती हूँ उसका वॉशर करना चाहिए कि वो मर्द कहलाने के काबिल ही ना रहे, क्योंकि ये एक वो चीज़ है, हम लोग सब बाहर निकलते हैं काम करने जाते हैं, हमारे साथ भी हमारे माँ बाप बहन भाई सब जुड़े हुए होते हैं, और अगर लड़की के लिए वो कहीं काम करने जा रही है बाहर है और वो रातों को देर से भी आती है, मतलब हम लोग कभी कभी काम ऐसे होते हैं कि सबके पास गाड़ी नहीं होती, सब गाड़ी नहीं चला रहे होते, सब अफोर्ड नहीं कर सकते, और ट्रांसपोर्ट का वो कभी क्रीम में जाते हैं, कभी वो बसों में जाती है, कभी बेचारी पैदल वॉक कर रही होती है, तो क्या मतलब है? क्या ऐसी लड़कियाँ जिनके पास ड्राइवर नहीं है, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है, तो क्या वो घर से ना निकलें, वो अपने घर को सपोर्ट करने के लिए ना जाएं? क्या उनको ये डर होगा कि जी हम बाहर निकलेंगे तो जो मर्द, देखिए जो मर्द है ना, मर्द की खूबसूरती क्या है? मर्द सबसे पहले तो देखें मर्द है क्या, मर्द आपके लिए सबसे वो जिंदगी का वो असासा है जो हर रूप में आपके लिए बड़े अहमियत का काबिल होता है, मतलब वो बाप भी होता है, वो बेटा भी होता है, वो शौहर भी होता है, वो आपके लिए बहुत सारे रूपों में आता है, वो आपके दोस्त होता है। तो सोचें मर्द की एक जो तारीफ है वो ये कि अल्लाह पाक ने मर्द को इतना स्ट्रांगली बनाया औरत के लिए कि औरत कुछ भी कर ले, दी एंड फाइनल मर्द किसको जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर मर्द इस तरह की गैर अखलाकी हरकतें करते हैं तो सोचें क्या असर पड़ता है। हम अपनी बच्चियों को क्या तरकीब बताएंगे कि जी बेटा बाहर मत जाना, बाहर इस तरह के डैश बंदे घूम रहे होते हैं और ऐसा होता है वैसा होता है, फिर हर बंदे से लड़की का यकीन उठ जाएगा, मतलब बाप जो बेटी से दूर हो जाएगा, बेटी बाप से दूर हो जाएगी, वो कहेगी ये भी तो मर्द है, हम अपने भाइयों से मिलते हुए डरेंगे, ये भी तो मर्द है। तो इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं, तो काइंडली ये सब मिलकर कोशिश करें, जिस शख्स ने गुलिस्तान जौहर में कल जो अपनी चड्डी उतारने के बाद जो हराम ज्यादा पना किया था, मैं तो ये बोलूंगी तो उसको आप लोग इबरत की सजा दिलाएं, आप सब उसको कहीं भी देखें उसको पकड़वाने में उसकी मदद करें हम सबकी, ताकि इदारे जो पुलिस है या दूसरे इदारे हैं जरा उनकी अच्छी तरह से खातिर वातर करके उनको बता के कि भाई जरा तुम्हारी जितनी भी गर्मी है उनकी जरा गर्मी निकाली जाए, फिर उसको पता चले। मैं कहती हूँ हैरान होती हूँ मैं कि उसकी माँ बहन या उसकी फैमिली किस तरह मुंह दिखाने के काबिल होगी कि उसके बेटे ने ये कारनामा अंजाम दिया। अगर वो साइको भी है तो साइको बाइक चला रहा था, उसको बाइक पे से उतर के अपने शॉर्ट हैंग करना याद आ गया, दोबारा से शॉर्ट पहनना याद आ गया, तो बात हुई आती है ये वो ना वो पागल था ना वो ज़हनी मरीज था, वो बंदा कहते ना क्या मैं बोलूँ, मैं अल्फाज भी ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि वीडियो सब तरह के लोग देख रहे होते हैं, बच्चियाँ भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं। अब मेरे साथ भाई हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, माशाल्लाह इनकी बेटियाँ हैं, ठीक है, हम इनके साथ बेखौफ डर होके जा रहे होते हैं कि हमें पता होता है यार हम जिससे जा रहे हैं हम सेफ है, हमें कोई टेंशन नहीं है। अब सोचें ये हम इनके हाथों में महफूज है, अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो कोई लड़की किसी पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो पिक्चर वीडियो वायरल हो रही है सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढने में मदद करें ताकि ज़रा उसको ड्रैगन की सैर करवाई जाए, उसके बाद उसको बताया जाए, और स्पेशली अगर मुझे पता चलेगा वो पकड़ा गया है तो मैं ज़रूर जाके वहाँ उससे पूछूंगी, और आई विश मैं कोई इतनी पावर रखती कि मैं उसको पकड़ने के बाद कुछ कर सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी मैं जाके उस शख्स से इंटरव्यू ज़रूर लूँगी कि जो उसने ये हरकत की है, कि वो उसने
क्या ये इसका ख़त्म हो गया था या उसकी गैरत ख़त्म हो गई थी या वो इतना बेगैरत हो गया था। बाहर के मुल्कों में भी ये सब कुछ नहीं होता जब तक किसी सामने वाले की मर्ज़ी नहीं होती, कोई आपको हरासा नहीं करता, कोई आपके साथ गलत काम नहीं करता। हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये हो गया, यहाँ पे लोग दरिंदे बन गए, मतलब आप लोगों को कमाने का नहीं पड़ा, आप लोगों को पाकिस्तान के हालात की नहीं पड़ी, आप लोगों की हवस इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि आपको होता है बस लड़की चाहिए। तो भाई लड़की चाहिए, कमाएं, पैसे वाले बने, शादियाँ करें, ठीक है, लेकिन किसी की माँ बेटी बहन पर हाथ मत डालें। और वो काइंडली जो एक बात थी बड़ी अच्छी, एक यूट्यूबर थे, कौन थे आई डोंट नो, उन्होंने कहा जी पर्दे वाली लड़की थी उस पर हाथ डाला, तो उसी का जी पहले कहते थे जी लड़कियों के कपड़े नहीं होते इसलिए हाथ डालते हैं, तो ये मुझे अच्छी लगी बात कि जिसने बेगैरत होना होता है उसके लिए कपड़े, चादर, कपड़े ना होना मैटर नहीं करता, उसके लिए औरत होना मैटर करता है। खैर बस इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा वायरल कीजिएगा, उसको पकड़ाने में हेल्प कीजिएगा, और इंशाल्लाह देखिएगा जब ये पकड़ा जाएगा ना तो इसको फिर जो बताएंगे ना इदारे जहाँ से वो आया है फिर उनको वही की सैर भी कराई जाएगी और करानी भी चाहिए। गरीब ऐसे सबके लिए था, और अल्लाह पाक हर बेटी को महफूज रखे और हर इंसान से गंदे इंसान से बचा करके। आमीन।